इलेक्ट्रीशियन जानता है कि बिजली के तारों को सही जगह कैसे जोड़ना है ताकि बिजली चलती रहे। वो भी एक तरह की इलेक्ट्रीशियन है और जानती है कि किन तारों को कहाँ जोड़ना है। जब वो आपके साथ होती हैं तो उनका पूरा ध्यान आपके ऊपर ही रहता है। उनके साथ बैठकर आपको लगेगा कि आप भी खास हैं। वो ये एहसास दिलाती हैं कि उस वक्त उनके साथ आपके अलावा कोई और नहीं है। मैं जब उनके सामने गया तो उन्होंने मुझसे कुछ कहा। उनकी वो बात मेरे लिए बड़ी ही अहम थी और उस बात को सुनते ही मैं बुरी तरह से रोने लगा। जबकि जिंदगी में कभी किसी ने मेरी आंखों में आंसू नहीं देखे होंगे, यहाँ तक कि जब मेरे पेरेंट्स की मौत हुई थी तब भी मैं रोया नहीं था। मैं कभी रोता नहीं। बारह बजे यहाँ टीचर्स आएंगी। मैं जब भी उन्हें तैयार करवाती हूँ वो हमेशा ऐसा ही करती हैं। मेरी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह पोंछ लेती हैं। इन कमजोर कोमल हाथों के पीछे छिपी है एक बड़ी लंबी कहानी। वो कहानी जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक अद्भुत कहानी है। एक ऐसी कहानी जो मानवता की भावना को बयां करती है। कहीं भी जाना हो ये सबसे पहले बाबा के कमरे में ही जाती हैं। पिछले 20 साल से हंसा चापानेरी ने अपनी आंखों से इस कहानी के पन्नों को पलटते देखा है। दादी चाहे जहां भी जाएं, ये दिन रात दादी की सेवा में लगी रहती हैं। एक बाबा से मिलकर बाबा को मिलके फिर खाएंगे, ऐसे भी खा सकते हैं ना याद में। काफी छोटी उम्र से ही उनकी आवाज एक ममतामयी माँ की रही है। बड़ी ही बुजुर्ग सी हस्ती। आज मैं जब दादी को देखती हूँ तो यही सोचती हूँ कि दादी की देखभाल करना मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। जब दादी अलग अलग कार्यक्रमों में जाती थी, यूके में कार से घंटे दो घंटे का सफर करना होता तो मैं सिर्फ उनकी ही फिक्र करती थी। मैं सोचती बाकी सब तो सो जाएंगे लेकिन दादी जब वापस आएंगी तब वो इन सीढ़ियों पर कैसे चढ़ेंगी, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, वो कुछ मांग सकती हैं, ऐसे में मैं कैसे सो सकती हूँ क्योंकि बाकी सब तो सो रहे हैं, उनकी मदद कौन करेगा, मैं यही सोचती थी। दादी की इस कहानी का एक एक शब्द अपने आप में बेहद खास है, उनका हर कदम खास है। 20 साल पहले हंसा ने ये सोचा भी नहीं था कि दादी को इस सफर के बाद वो शक्ति मिल जाएगी जो इतनी जिंदगियों को बदल देगी। उनकी बदौलत थी मेरे दिल के दरवाजे खुले ताकि ईश्वर उसके अंदर आ सके। ये बात है अप्रैल 1968 के पहले हफ्ते की। मैं उस महीने के पहले हफ्ते की तारीख के बारे में नहीं बता सकती मगर ऐसा हुआ था। वो यहाँ आई तो उन्होंने मुझसे विवेक के बारे में बात की और ये बड़ी ही अहम बात थी क्योंकि उसके पहले मैं पसंद और सही चुनाव के बारे में सोचती थी और मुझे लगता था कि मेरे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि मैं सही चुनाव कर सकूं। आज़ादी देने वाला समाज, पश्चिम का पारंपरिक समाज, हिंदू समाज, समझ नहीं आ रहा था किसे चुनूं। उन्होंने ये बात समझी और मुझसे कहा तुम अपने विवेक को स्वच्छ करो। तो मैंने पूछा कैसे, उन्होंने कहा ध्यान से, और उसी रोज शाम को मैं यहाँ ध्यान शुरू करने आ गई। पहले दिन उन्होंने मुझे अपनी आत्मा के बारे में बताया। उनकी बातें सुनकर मैं तो मानो किसी और ही दुनिया में पहुंच गई। उसके बाद उन्होंने मुझे वो दृष्टि दी जिसने मेरी दुनिया ही बदल दी
मुझे उससे जुड़ने का अवसर मिला जिससे ईश्वर भी प्यार करते हैं। जयंती कृपलानी और उनकी माँ का शुरू से ही ब्रह्मा कुमारीज के संस्थापक ब्रह्मा बाबा से बड़ा गहरा लगाव रहा था। जयंती के दादाजी ब्रह्मा के चचेरे भाई थे। जब वो सिर्फ 8 साल की थीं, तब पहली बार ब्रह्मा से मिली थीं और ठान लिया था कि वो उनके उपदेशों का पालन करते हुए अपना जीवन बिता देंगी। और 11 साल बाद जब वो 19 साल की थीं, उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। अगर कोई दादी की कहानी सुनकर उनके जीवन के पन्ने पलटना चाहता हो तो उसे इनसे बेहतर जानकार शायद ही कोई और मिले। पता है ये कौन है? ये हमारी दादी हैं जब वो जवान थी। ये अब सिस्टर जयंती के नाम से मशहूर हैं और दादी की जिंदगी के हर पहलू को अच्छी तरह से जानती हैं। ये हर तस्वीर से जुड़ी पूरी कहानी भी जानती हैं। ये देखिए दादी ने जैकेट पहन रखी है। दादी की कहानी को वो एक आध्यात्मिक जीनियस की कहानी मानती हैं। दादी को आज भी अच्छी तरह से याद है, जब वो 2 साल की थीं, तब उन्होंने पालने में ही अपने चाचा को राम का नाम जपते हुए सुना, ईश्वर का नाम। उनका जन्म भी एक बड़े ही धार्मिक परिवार में हुआ था, बड़ा ही परोपकारी परिवार था। उनके माता पिता ने सोचा उन्हें किसी आम स्कूल में ना भेजें, बल्कि घर में ही शिक्षा दिलाई जाए। इसके लिए घर में एक पंडित आकर उन्हें ग्रंथों का ज्ञान देते थे। ये सिलसिला 9 वर्ष की उम्र तक चला। उसके बाद वो स्कूल गईं सिर्फ 3 साल के लिए। उन 3 सालों में उन्होंने 6 अलग-अलग स्तरों की शिक्षा पूरी की, क्योंकि वो बड़ी ही बुद्धिमान छात्रा थी। मुझे इतना अच्छा लगता है। जब वो 11 साल की थीं, तब उन्होंने अपने पिता से कहा कि अब स्कूल में विज्ञान पढ़ाया जाएगा और उन्हें लगता है कि शायद विज्ञान ईश्वर के बारे में मेरी सोच बदल दे और वो मुझे ईश्वर से दूर कर दे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, इसलिए आप मुझे आगे की पढ़ाई के लिए तीर्थाटन की अनुमति दें। उनके पिता ने अपना कारोबार बंद कर दिया और उन्हें लेकर भारत के चारों कोनों के तीर्थों में गए। आपको याद आ रहा है कि ये कौन सी घड़ी थी? वहाँ वो जिन संतों से मिलती उनसे पूछती कि आप मुझे ईश्वर के साथ हुए अपने अनुभव के बारे में बताइए, उसके बाद मुझे ईश्वर के बारे में बताइए, जो लेखों में लिखा है उसके बारे में क्या अनुभव है। और फिर उनकी आंखों में हैरानी देखकर वो समझ जाती थी कि वो भी ये बात जानना चाहते हैं लेकिन जान नहीं पाए हैं। मैं तो मानती हूँ कि उनके जीवन में हमेशा ऐसा ही हुआ। उनके जीवन का बस एक ही उद्देश्य था, ईश्वर की जानकारी पाना। उसके अलावा वो किसी और बात के बारे में सोचती भी नहीं थी। दादी जहाँ रहती थी वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक और कहानी लिखी जा रही थी। वो कहानी थी दादा लेखराज की। उनका जन्म भी एक बड़े धार्मिक परिवार में हुआ था और उनके पिता सिंध प्रांत के हैदराबाद में एक स्कूल टीचर थे। दादा लेखराज 1930 के दशक की शुरुआत से ही एक आध्यात्मिक खोज पर निकल पड़े थे। जब वो रिटायर होने की उम्र में पहुंचे, तब उन्हें कुछ बड़े ही अनूठे दिव्य दर्शन हुए। उनसे वो पूरी तरह से बदल गए। उसके बाद वो ईश्वर और उस दिव्य सत्य को जानने की कोशिश करने लगे। उन्होंने एक आध्यात्मिक संगठन बनाया जिसका नाम था ओम मंडली। बाद में वही बना ब्रह्मा कुमारीज। उनकी मृत्यु से कुछ महीने पहले ही सिस्टर जयंती ने सोच लिया था कि उन्हें किस मार्ग पर जाना है। वो जल्दी ही भारत के बाहर ब्रह्मा कुमारीज की एक मुख्य आवाज बन गईं। वो एक ऐसी वक्ता थीं जो समाज के हर स्तर पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ती थीं। आपका सफर कैसा रहा? मैं मोटरसाइकिल पर आया हूँ। मैंने बड़ा लंबा सफर तय किया है। अब ये लंदन में रहती हैं और जानती हैं कि दादी जानकी के उपदेश उनके ऊपर कितना प्रभाव डालते हैं जिनसे वो मिलती हैं। लॉर्ड स्टोन 20 साल से भी पहले ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए थे और करीब करीब उसी वक्त वो इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी चुने गए थे। इसके साथ ही शुरू हुई थी 20 साल पुरानी आध्यात्मिक मित्रता जिसने दुनिया भर में उनके काम को एक नई सोच दे दी।
मैं बहुत अच्छी तरह से बोल नहीं सकता, नहीं अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से समझा सकता हूँ, लेकिन मैं लोगों के वाइब्रेशंस को महसूस कर लेता हूँ। और यहाँ आकर मैंने देखा है कि मुझे जो वाइब्रेशंस मिलती हैं वो प्रेम और दया से भरी होती है, जिनकी वजह से मैं इनके ऊपर भरोसा करता हूँ और जानता हूँ कि ये भी इस बात पर भरोसा करते हैं। मैं ब्रह्मा कुमारीज में आया और दादी जानकी से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि सत्य सिर्फ एक ही नहीं है। उन्हें जो अच्छा लगता है वो उनकी संस्कृति का सत्य है और जो आपकी संस्कृति को पसंद है वो उसका सत्य है। आपको बस अपने दिल को खोलना होगा और समझना होगा कि लोगों के सत्य अलग अलग हैं, मगर सबसे बड़ी बात है इन सत्यों के बीच एक सही तालमेल बनाना। इस तरह आप दूसरों की बातों को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, आप समझेंगे कि वो किसी चीज में आस्था क्यों रखते हैं। अगर आप उनकी आस्था को मान लेते हैं और देखते हैं कि वो तो किसी और को मानते हैं, तो सोचते हैं कि उनके बीच तालमेल कैसे बनाया जा सकता है। इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मैं फिलिस्तीनियों, इसराइलियों, मिस्र और जॉर्डन के लोगों के साथ काम करता हूं, और अब बड़ी बात यह हुई है कि उन्हें भी ये लगने लगा है कि मैं उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से समझने लगा हूं। मैं उन्हें समझता हूं, उनकी आस्था को, उनकी सोच को मानता हूं। उसे मैं अपनी सोच नहीं मानता और फिर उन्हें अपनी सोच बताकर पूछता हूं, बताओ इनके बीच तालमेल कैसे बनाए। जब दादी जान के एक कमरे में बैठे 500 लोगों के सामने प्रवचन करती हैं, तो वो भीड़ से बात नहीं करती हैं, बल्कि वहां बैठे एक एक इंसान से बात करती हैं। लगता है जैसे वो एक एक को देख रही हैं, भले ही उन्हें बाद में दृष्टि मिलती हो, पर जब भी वो बोलती हैं हर शख्स की आंखों में देखती हैं और वो कमरे में बैठे हर इंसान को देखती हैं। इससे सबको लगता है कि वो उसी से बात कर रही हैं। इस तरह वो उन सभी को इस लायक बनाती है कि वो अपने सबसे अच्छे हिस्से से संपर्क कर सकें। सभी को इस लायक बनाना कि वो अपने सबसे अच्छे हिस्से से संपर्क कर सकें, दादी के जीवन को और अच्छी तरह से बताता है। अब वो 100 साल से ज्यादा की हो चुकी हैं, मगर अपने करीबी दोस्तों से वो आज भी बड़ी गर्मजोशी से मिलती हैं। उनके नाजुक कमजोर हाथ और जादुई आंखों में साफ नजर आता है कि उनका पूरा जीवन यही करते हुए बीता है। दस में दादी ने उस जगह जाने का फैसला किया जहां से उनका ये सफर शुरू हुआ था। 60 साल बाद वो पहली बार पाकिस्तान लौट रही थी, जहां आज विभाजन के पहले का भारत का सिंध प्रांत है। यहीं 1916 में उनका जन्म हुआ था। 1937 में ब्रह्मा बाबा ने एक ट्रस्ट बनाया और उसे अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। उस ट्रस्ट में युवा लड़कियां थीं और उनका काम था उस आंदोलन की देखभाल करना। दादी जानकी आज यहां आकर अपने अतीत की यादों में खो गई हैं। यहीं वो पहली बार ब्रह्मा बाबा से 1937 में मिली थीं। एक रोज सुबह सुबह वो अपने पिताजी के साथ पार्क में गई थीं, तो उन्होंने देखा कि वो उनकी तरफ आ रहे हैं। बाद में उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, आपने देखा था? ये तो जाहिर था कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं देखा था जो अलग हो, बस वो मिले और दुआ सलाम हुई। मगर उन्होंने एक रोशनी देखी थी। उन्होंने उस इंसान को नहीं बल्कि एक बहुत ही तेज प्रकाश पुंज को देखा था। तब उन्हें लगा कि अभी कुछ अनोखा हुआ है, और जब उन्होंने आगे जांच पड़ताल की तो पता लगा कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक महान हस्ती है। उस वक्त दादी सिर्फ 21 साल की थीं और उस ग्रुप से पूरी तरह से जुड़ने के पहले उन्हें उस दर्द भरे शादीशुदा जीवन से बाहर निकलना था जो उनके ऊपर थोपा गया था। जब दादी बाकी औरतों के पास आ गईं, तो उन्हें एक बड़ी ही खास जिम्मेदारी निभाने को कहा गया। या मम्मा ने मुझे शिक्षा दी थी, क्योंकि मैं नर्स थी ना यहाँ, तो बहुत सेवा नर्स की करती थी। उस वक्त उन्हें एक नर्स की जिम्मेदारी दी गई, जिसका काम था लोगों की सेवा करना। उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से किया, और अगर कोई बीमार होता तो वो पूरी देखभाल करती, जबकि खुद उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा नहीं रहता था। उन्हें निमोनिया और टीबी जैसी बीमारियां हो चुकी थीं,
मगर उनके मन में लोगों की सेवा की भावना बहुत थी, इसलिए वो सेवा करती रहीं और उन्होंने 14 साल में सिर्फ 2 बार डॉक्टर को बुलाया था, जबकि वहां करीब 300 लोग रहते थे। लोगों को लगता है कि उन्हें अकेलापन पसंद था और लोग उन्हें बड़ा गंभीर समझते थे, मगर वो जो कर रही थीं उसके लिए लोग उनकी प्रशंसा करते थे, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग वही थे जिनकी उन्होंने कभी न कभी देखभाल की थी। मगर आम सोच यही थी कि उन्हें अकेले रहना ज्यादा पसंद है और वो बड़ी गंभीर महिला हैं। मगर इन वर्षों में दादी जानकी को उस बुनियाद को और मजबूत करने का मौका मिला, जिसके सहारे उन्होंने दूसरों को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करने के गुर सीखे। उन्हें पढ़ाई से बहुत लगाव था और वो ईश्वर से बे इंतहा प्यार करती थीं। इस संस्थान में यहाँ जो भी औरत और मर्द थे, वो सभी पहले 14 साल में दुनिया से बिल्कुल कट से जाते थे। उनका ध्यान सिर्फ ईश्वर से अपने रिश्ते और आध्यात्मिक ज्ञान पाने पर ही होता था। तब लोग उन्हें पहचान नहीं पाए थे, क्योंकि उस वक्त वो शारीरिक मेहनत ज्यादा करती थीं। लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि उनके अंदर भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, यानी दिमाग की प्रयोगशाला में बहुत कुछ चल रहा है, और वो जिस तरह से प्रतिक्रिया करके उन सत्यों को अपने जीवन में उतारती थीं, वो कोई नहीं देख पाता था। वो इतनी कुशाग्र थीं कि उनके मन में क्या चल रहा है या वो किन मुश्किलों से जूझ रही हैं, इसका पता ही नहीं लगता था। उनकी इस खूबी को दूसरे लोग नहीं समझ पाए, मगर ब्रह्मा बाबा ने पहचान लिया था कि वो कितना कीमती हीरा है। हाँ, उनका ज्यादा ध्यान ब्रह्मा बाबा पर नहीं बल्कि उनके संदेशों पर रहता था, जबकि आम लोग संदेश को कम, संदेश लाने वाले को ज्यादा याद रखते हैं। और ब्रह्मा बाबा का संदेश था, उस दिव्य शक्ति से जुड़ो, उस दिव्य शक्ति से जुड़ो। और ब्रह्मा बाबा से प्यार करने वाले दादी जानकी जैसे लोग, उन्होंने उस संदेश को समझ लिया और उस दिव्य शक्ति से जुड़ गए, और उन्हें वो शक्तियां भी मिलीं जिनसे ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद भी वो उनके मिशन को आगे बढ़ा सके। जब भी मैं कुछ मुख से बोलती हूँ, पहले साइलेंस जाती हूँ, साखियों को अगर देखती हूँ संसार में मनुष्यों की एनर्जी कितनी उतरती कला में, ये रियलाइज होना चाहिए। चढ़ती कला में कैसे जावे, चढ़ती कला में 2 बातों की शक्ति लेके जाती है, एक आत्मशक्ति, दूसरा परमात्मा के कनेक्शन की शक्ति, एनर्जी बनती है। मुझे याद है 1974 से लेकर 1978 तक मैं और दादी टेनिसन रोड पर ही रहते थे, और उस दौरान कई बार ऐसा होता था जब सिर्फ मैं और दादी ही वहाँ होते, कोई और नहीं होता, जो बड़ी दिलचस्प बात थी। जब दादी जानकी 1974 में लंदन आई तो टेनिसन रोड के इसी घर में रहने लगी, जहाँ पहले से ही संस्थान के कई वरिष्ठ शिक्षक 1971 से ही रह रहे थे। मगर दादी के आने के बाद सब कुछ बदल गया। मैं जब भी वहाँ जाती हूँ, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि कभी दादी भी वहाँ रहती थीं, और वो घर हमारे लिए बड़ा ही पवित्र और ख़ास है। हाँ, हम सब के लिए वो घर बड़ा ही ख़ास है। Welcome, brothers. इस कमरे में आपको कमाल की वाइब्रेशंस मिलेंगी। मैं और दादी कभी इसी कमरे में रहते थे, रात में हम यहाँ सोते थे और दिन में क्लासेस लेने जाते थे, और सुबह होते ही निकल जाते, लेकिन उसके पहले यहीं पर ध्यान भी लगाते थे। तब दुनिया बिल्कुल अलग थी,
हमें पता नहीं था आतंकवाद के बारे में, हमें नहीं पता था कि ये सुसाइड बॉम्ब क्या है। वो दुनिया बिल्कुल अलग थी। वही वो समय था जब हमने ध्यान लगाना शुरू किया था और लोग तब गमलों के बारे में सोचते थे। आपने कभी सुना है इस बारे में? डाइनिंग टेबल वही थी और खाना यहाँ पकता था। मैं उन उपदेशों के बारे में जानती थी जो हमें बताए जाते थे, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई मिसाल नहीं थी कि मैं लोगों को बता सकूं कि यही सच्चाई है। अब मैं देखती हूं कि यहाँ अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं, अलग अलग नस्ल धर्म के लोग हैं, जिन्हें दादी ही सब बताती थीं। मैं भी उन्हें पढ़ाती थी, लेकिन दादी ही उन्हें अच्छी तरह से समझाती थीं, उनके सवालों के जवाब देती थीं और फिर इस तरह से उन्हें तैयार करती थीं कि वो इस दुनिया में एक योगी की तरह रह सकें। और देखिए ना, आज दुनिया उन्हें ही योगिक सिद्धांतों के रूप में जानती है। हमारी सभी दादियाँ बड़ी ही कमाल की योगी हैं, लेकिन दादी जानकी ही वो शख्सियत थीं जो यहाँ इसकी स्थापना कर सकती थीं। इस काम के लिए वो बिल्कुल सही चुनाव थीं, क्योंकि उन्हें अध्यात्म की बड़ी गहरी समझ थी और वो उसे जिस तरह से दूसरों को समझाती थीं, उन्हें ये बताती थीं कि किस तरह से वो उन बातों को अपने जीवन में उतार सकते हैं, वो बड़ी बात थी, क्योंकि वो बड़ी सीधी सरल भाषा में लोगों को सब समझा देती थी। सच्ची दिल है, मजबूत दिल है। When there's a true heart, it's a strong heart. हम किस पर डिपेंड नहीं है। I don't have to depend on anyone. भगवान को साथी बना लिया है। If I make God my companion, भगवान हमारा साथी है। So God is my companion. Okay, thank you. Om Shanti. बहुत से लोग मानते हैं कि वो बड़ी ही गंभीर महिला हैं, और हाँ, कई मायनों में ये सोच सही भी है, मगर वो यहाँ 40 सालों से हैं और बड़े दिल वाली हैं। कई बार वो काफ़ी हंसी मजाक भी करती हैं और उनकी एक भी क्लास ऐसी नहीं होती जिसमें लोग कई बार ना हंसे हों। जहान के नूर हो, तुम्हारे नूर से जहान को बाप दिखाई पड़ेगा। सुना, तुम्हारे नूर से जहान को, जिसके जिसका जिसके साथ प्यार होता है उसके नूर से पता चलता है। और इस तरह से उनकी क्लास की क्वालिटी बदल गई, लोगों से बातचीत करने का तरीका बदल गया। अब वो तरीका ज़्यादा प्यार भरा और ज़्यादा समझाने वाला था। अब सिर्फ शांति से योगिक प्रवचन नहीं होते थे, उन्होंने बड़े बड़े चौंकाने वाले काम भी किए, जैसे कोई सोच भी नहीं सकता था कि दादी नाचेंगी। मगर पिछली बार जब वो लंदन आईं, तब उन्होंने सबसे कहा कि चलो नाचते हैं। टेनिसन रोड के एक छोटे से घर से दादी जानकी ने ब्रह्मा कुमारीज को एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बना दिया और लंदन का मुख्य केंद्र भारत के बाहर विदेशों में मौजूद इसकी शाखाओं का मुख्यालय बन गया। और इस तरह से विदेशों में भी इसका प्रसार हुआ। हर जगह पर लोगों का दादी जानकी के साथ एक बड़ा ही अनोखा रिश्ता बन गया। तो उनकी आस्था और उनकी लगन से ही ये इमारत बन पाई। मैं तो यही मानती हूँ। उन्होंने आर्किटेक्ट्स को जोड़ा, कॉन्ट्रैक्टर्स को जोड़ा, पैसे लगाने वाले लोगों को जोड़ा, इंजीनियर्स को जोड़ा, ये सब लोग थे। मगर इस बात में कोई शक नहीं कि दादी के विश्वास और उनकी लगन की बदौलत ये इमारत बनी। ऑक्सफोर्ड में भी बिल्कुल यही हुआ।
दादी जानकी की प्रेरणा से ही ब्रह्मा कुमारीज ने 1993 में ऑक्सफोर्ड में एक बड़ी अनोखी जायदाद खरीदी जो बाद में रिट्रीट सेंटर बन गया। यहाँ हर साल हजारों लोग आध्यात्मिक शुद्धि के लिए आते हैं। हाँ, शायद तब मैं 26 साल की थी। आज मंदा पटेल रिट्रीट सेंटर की गतिविधियों पर नजर रखती हैं। वो अपनी जिंदगी को याद करते हुए ये कहने से नहीं चूकती कि दादी जानकी के साथ उनके रिश्तों की वजह से ही उनके जीवन को एक नई दिशा मिली है। जब मैं 21 साल की थी तब मुझे अचानक ही लगा कि मुझे अब सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है और क्या मैं ये सब करना चाहती हूँ। ये बातें दिमाग में चल रही थी, मन में ये भी आ रहा था कि मैं शादी कर लूं, मैं भी एक खुशहाल जिंदगी बिताऊं, लेकिन मन में कहीं से ये आवाज भी आ रही थी कि ऐसा जीवन तो सब चाहते हैं, मुझे कुछ अलग ही करना होगा। मैं जब उनसे पहली बार मिली तभी उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया था। उन्होंने मुझे मेरे बारे में जो बातें बताई उनसे मुझे लगने लगा कि मैं खुद को जान सकती हूँ और मैं शायद ऐसी इकलौती नहीं हूँ जिसके साथ उन्होंने ऐसा किया था, बल्कि उन्होंने कई और लोगों के साथ ऐसा किया था। और उनकी सबसे बड़ी खूबी भी यही है कि वो हमें भी खास होने का एहसास करा देती हैं। जब वो आपके साथ होती हैं तो उनका पूरा ध्यान आपके ऊपर ही रहता है। उन्होंने मेरे दिल को छू लिया था उस तरह से शायद कोई और कर पाए। उन्होंने मुझे एहसास कराया कि मेरे अंदर भी कुछ था जो बाहर आ गया है। मैं तो दावे से कह सकती हूँ कि कोई और मुझे ये एहसास नहीं दिला सकता था। वो ऐसी एक लौती शख्स हैं जिसने मुझे रुला दिया हो। जी हाँ, एक अकेली। कम ही ऐसे लोग हैं जो मुझे रुला सकते हों, और उनके सामने बैठने के बाद उनकी आंखों में देखते ही मेरी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी थी। Here we go. उन्होंने मेरे ऊपर बहुत मेहनत की है, कभी प्यार से समझाया है तो कभी कभी उन्होंने थोड़ी बहुत सख्ती भी दिखाई है। जब भी मैंने थोड़ी शरारत की तब वो बड़ी सख्त हैं और हमसे काफ़ी उम्मीदें रखती हैं और वो मगर मुझे लगता है कि उन्हें मेरी काबिलियत का अंदाज़ा हो गया था और मुझसे उनकी उम्मीदें भी काफ़ी बढ़ गई थीं। तब मुझे लगा कि अब मुझे वही करना होगा जो वो चाहती हैं। मैं जानती थी कि जो ऐसा नहीं करेगा वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। वो लोगों के बारे में हमेशा बहुत ऊँचा सोचती हैं और जब भी उन्हें किसी में कोई संभावना नजर आती है तो उसे हाथ से निकलने नहीं देती। मैं कई बार उनसे नाराज भी हो जाती थी, उन्हें कुछ कह देती थी या उनके साथ कुछ कर भी देती तब वो भी कहती थी ये मत बोलो वो मत करो, और मैं कहती ठीक है मैं नहीं करूंगी लेकिन आप मुझसे मत कहिएगा, तब वो भी समझ जाती थी। मैं एक बात तो ज़रूर कहूँ कि उन्होंने मेरे लिए कई भूमिकाएं निभाई हैं, कभी टीचर तो कभी सहेली। अगर मुझे कोई परेशानी होती तो मैं उनसे कह देती और शायद वो बाद में उतना खुलकर किसी और से नहीं कह सकती थी, मगर उन्होंने हमेशा मेरी बात बड़े प्यार से सुनी, उन बातों को समझा और हमेशा कहती सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे हमेशा एहसास दिलाया कि अगर तुम बुरे दौर से गुजर रही हो तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। उन्हें मेरे ऊपर इतना भरोसा था कि मैं उन मुश्किलों को पार कर लूंगी, उनसे उबर जाऊंगी। मैं कपड़ों के बिजनेस से जुड़ा हूं और मैं जिस कंपनी में हूं वो अमेरिका की एक सबसे बड़ी मेंस स्पोर्ट्स वेयर कंपनी है। मैं जो काम करता हूं उसे सोर्सिंग कहते हैं और इसका मतलब यह है कि जब एक डिज़ाइनर अपना कलेक्शन तैयार कर लेता है तब हमारा काम होता है उसे हकीकत बनाना। हमारा काम होता है उसके लिए सही कपड़ा ढूंढना, कपड़े की सही मिल ढूंढना,
हमें कपड़े की क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ता है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि तैयार कपड़े सही वक्त पर अमेरिका पहुंच जाए। नहीं, ये काम इतना आसान नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा तनाव में रहता हूं और मुझे हाई ब्लड प्रेशर भी है। ओ, क्या बात है, आज हम सबसे बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। ब्रैंड आकिन दूसरों से बात करने में बड़े माहिर हैं, लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद वो पहली बार 1986 में दादी जानकी से मिले तो कुछ भी जादुई नहीं हुआ। कई साल तक उनसे कई बार मिलने और बात करने के बाद उनका दादी के साथ एक बड़ा ही मजबूत रिश्ता बन गया। दादी जानकी मेरे ऑफिस में 1997 में आई थी। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन वो यहाँ आई थी उसी दिन इसी इमारत में हमारे एक नए शोरूम का उद्घाटन था और मैं बड़ा ही खुश था। तैयारियां हो चुकी थी और उद्घाटन से ठीक आधे घंटे पहले ही उस इमारत की बिजली चली गई। फोन बंद हो गए थे और बिजली भी बिना किसी वजह से गई थी। मैं बहुत तनाव में था, सोच रहा था दादी यहाँ आ रही हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और यहाँ बत्ती गुल है। मैं देख रहा था कि शोरूम के ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ एक इमरजेंसी लाइट जल रही है। मैं सोच रहा था कि अब क्या होगा, और जो हुआ वो भी बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी, फ़ोन बंद थे, ऑफिस में बैठे लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, सब उसी शोरूम में बैठे थे और शोरूम में करीब 100 लोग थे, जबकि मैं सोच रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 लोग आएंगे, क्योंकि ये बात 1997 की है और कुछ लोग भले उत्सुक होंगे पर ज़्यादातर लोग यही मानते थे कि ध्यान व्यान क्या करना है। तब ये बातें बहुत से लोगों के लिए मायने नहीं रखती थी, मगर वो एक इम्पोर्ट कंपनी से जुड़ी थी तो उन्होंने कहा कि आप भगवान से पावर इंपोर्ट कीजिए और उसे दूसरे लोगों की तरफ एक्सपोर्ट कर दीजिए। उसी कमरे में एक सेल्समैन भी था जो बड़ा ही मजाकिया था। उसने मुझसे कहा कि ध्यान लगाने के बाद मैंने ईसा मसीह को शोरूम में देखा था। उसके बाद तो कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। कई साल बाद तक लोग उस बात को भूले नहीं थे। मैं उनके क्यूबिकल में जाकर देखता था। ये प्रोग्राम 10-15 साल तक चलता रहा और मैंने देखा कि सभी ने उस प्रोग्राम का नोट कार्ड रखा हुआ है और अपने क्यूबिकल में दादी की फोटो लगा रखी है। मैं भी बस उसी पैटर्न का पालन करता हूँ। मैं नहीं मानता कि मैं बहुत बड़ा या महान काम कर रहा हूँ और मैं भले ही अपनी बात खुल कर रखता हूँ, दूसरों से बात करता हूँ, शर्माता नहीं हूँ, पर मुझे अपने ऊपर भी पूरा भरोसा नहीं है। मैं खुद को बड़ा असुरक्षित मानता हूँ और नहीं जानता कि मेरी खूबियाँ क्या है। मैं उनके बारे में सुनता हूँ, लोग मुझे मेरी खूबियाँ बताते हैं, पर मैं नहीं समझ पाता कि वो किसकी बात कर रहे हैं, मेरे पीछे कौन है। मगर दादी ने मेरे लिए एक काम ज़रूर किया है। उन्होंने मुझे इतना आत्मबल दिया है कि मैं अब ये ज़रूर समझ सकता हूँ कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जिसे मैं नहीं देख सकता, और जब भी मैं उस कमरे से निकलता हूँ ऐसा लगता है कि मेरी शक्ति और बढ़ गई है। दुनिया अपनी तेज रफ्तार से बढ़ी जा रही थी और उसमें लगातार नए नए बदलाव आ रहे थे, मगर दादी जानकी ने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा और वो दुनिया के लोगों के साथ भगवान का संदेश बांटती रहीं। उससे लोग अपनी जड़ों को समझ सके और अपने आध्यात्मिक रूप तक पहुंच सके। ठीक है, मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं दूसरों से बहुत प्यार करता था, पर मैं जब खुद को देखता तो ऐसा लगता कि अपने लिए ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है। उसकी बड़ी वजह यह थी कि मेरा बचपन बहुत अच्छा नहीं था। दादी ने उसे पलटने की कोशिश की और वो ऐसा कर सकती थी क्योंकि उनके अंदर इतनी शक्ति थी। और मैं आपको ये जो बात बता रहा हूँ ये बात है 1993 की। मैं यहाँ 10 साल से लगातार आ रहा था। यहाँ दादी हर टूर के बाद वापस आने पर सबको एक मिठाई देती थी जो मुझे बहुत पसंद थी, क्योंकि उसमें प्यार भरा हुआ होता था। उसे प्यार से बनाया जाता था और बड़े प्यार से दिया जाता था। किसी को मिठाई देते वक्त उसे वो दृष्टि भी देती थी, जिसका मतलब था अपनी आँखों में प्यार समेटना। वो हर बार लोगों से बात करने के बाद करीब 50 से 100 लोगों को दृष्टि देती थी। मैं भी यहाँ कई सालों से आ रहा था। उस रोज भी मैं उनके सामने घुटनों पर बैठ गया, उनकी आँखों देखा। उन्होंने कहा मुझसे बाद में मिलना। मैंने सोचा इसका क्या मतलब है। वहां सब कुछ खत्म होने के बाद मैं कमरे में गया, जूते उतार कर अंदर जाकर बैठ गया। वो आई और कहा, एंड्रू मैं लाखों लोगों को दृष्टि देती हूँ, मैं तुम्हें भी दृष्टि दूंगी। सब जानते हैं कि मैं एक दिव्य महिला हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हें भी अपना प्यार दे। सभी जानते हैं कि ये क्या होता है। तुम मेरे सामने बैठ जाओ और तुम मुझे दृष्टि देने की कोशिश करो। मैं 93 साल की हूँ, तुम मुझसे आशिकी तो नहीं कर सकते।
तुम्हें बस इतना करना है कि अपने दिल के दरवाजे खोलो, मैं तुम्हें प्यार दूंगी। ये काम अभी के अभी करना है। उसके बाद उन्होंने वही किया, मुझे तकलीफ तो हुई पर मैंने उसे सह लिया। और उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं प्यार को भी स्वीकार कर सकता हूँ। मुझे पता लगा कि जब हम खुद से प्यार करते हैं तभी किसी और को प्यार दे सकते हैं, और वो यही कर रही थी। और अगर हम सभी ये मान लें कि हम प्यार के योग्य हैं और अपने जैसे दूसरे लोगों से प्यार कर सकते हैं, तो हम वो प्यार बांट सकते हैं। Security, daddy. And also to open the house. पिछले कई दशक से दादी की आवाज दुनिया भर के लाखों लोगों तक पहुंची है। The past 60 years of my life have been dedicated is this. उनकी बातों ने कई देशों के नेताओं के दिल और दिमाग को छू लिया। 1930 के दशक में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। उस वक्त दादी और दूसरी युवा महिलाओं को गैर पारंपरिक आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए अपमानित किया जाता और मारने की धमकी भी दी जाती थी। उस वक्त किसने सोचा था कि ये महिलाएं एक दिन विश्व की सम्मानित आध्यात्मिक गुरु बन जाएंगी। डवीना मर्फी गिब एक बार फिर से ब्रह्मा कुमारीज के ऑक्सफोर्ड स्थित रिट्रीट सेंटर में आई है, जहाँ इनके साथ है इनकी सहेली मंदा। ये अपने पति रॉबिन गिब के देहांत के बाद यहाँ आई हैं और ये अभी भी दादी को नहीं भूल पाई हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी वर्षों में रॉबिन गिब दादी जानकी के बहुत करीब आ गए थे और उन्हें अपने गानों के लिए उनसे काफी प्रेरणा भी मिलती थी। तो आपको वो दिन याद है जब आप पहली बार दादी से मिली थी? हाँ, तब जब वो विश्व शांति के लिए काम कर रही थी। मायामी में, आपका घर मायामी में है ना? पहली बार दादी को देखकर आपको कैसा लगा था? जब मैंने दादी को पहली बार देखा तब मुझे स्टार वॉर्स याद आ गया। उनका वो छोटे कद का सबसे बुद्धिमान लीडर योडा, शायद योडा था। मैं अचानक ही बड़ी सतर्क हो गई और उनके सामने बैठकर मुझे बड़ा ही अनोखा एहसास हुआ। एक बड़ी ही अलग सी शांति महसूस की थी मैंने, अलग सी संतुष्टि, खुशी की अनुभूति हुई थी। शायद सबके ऊपर उनका यही असर होता है, वो सबको खुशियां देती हैं। उनके सामने सब अपनी हर फिक्र भूल जाते हैं और सोचते हैं कि आज मैं दादी से ये पूछूंगा, ये सवाल करूंगा। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन उनके सामने बैठते ही मैं सब भूल गई, सारी समस्याएं खत्म हो गई। मैंने रॉबिन को कई बार दादी से मिलते देखा था और मुझे हमेशा यही लगा कि वो दादी से मिलना चाहते हैं, उनके करीब रहना चाहते हैं। रॉबिन बड़े ही प्यारे इंसान थे, उन्हें दादी से प्यार हो गया था और वो जब भी घर आते उनकी ही बात करते थे, वो दादी की सोच के कायल हो गए थे। दादी जब भी कुछ कहती तो उनकी सोच का अंदाजा मिल जाता और वो एहसास बड़ा ही अनूठा होता था। मैं उसे बयां भी नहीं कर सकती, मगर उन्हें लगता कि उन्हें कहीं और से शक्ति मिल रही है। दादी उन्हें कुछ ऐसा देती हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती और जिसका असर रॉबिन की जिंदगी और गानों पर हुआ। मैं कुछ फोटो भी लेकर आई हूँ। क्या बात है। दिखाइए दिखाइए। वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, रॉबिन ने उनके लिए गाना भी लिखा था ना? हाँ, मदर ऑफ लव। मुझे उसके बारे में कुछ बताइए। उनसे ही प्रेरणा लेकर वो गाना लिखा, मदर ऑफ लव। आज बड़ा ही खास दिन है, बड़ी ही खास महिला का दिन है। दादी जानकी आज 90 साल की हो गई हैं। 90 साल की उम्र ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो मेरे लिए बड़ी ही खास रही हैं, मेरी प्रेरणा रही हैं। मेरा अगला गाना एक नया गाना है जो मैंने उनके लिए लिखा है। मुझे याद है हम वेम्बली की तरफ जा रहे थे और वो तब भी गाना लिख रहे थे। मुझे याद है वो उस कागज को हाथ में लेकर बार बार पढ़ रहे थे।
Everything we have in life is changing. You are all I need to keep me still. Mother of love, angel of light, I'm a long lost child, so alone in the night. Mother of love. मैंने जब भगवान के प्रति उनका प्यार देखा तो मैंने सोचा काश मेरे अंदर उसका एक छोटा सा भाग भी होता तो बहुत बड़ी बात होती। वो प्यार आखिर आया कहाँ से था? जब वो ब्रह्मा कुमारीज में आई भी नहीं थी तब भी वो भगवान से प्यार करती थी, मैं कभी नहीं कर पाया। मैं सम्मान करता था, जानता था कि भगवान है, मगर कभी उनके लिए मेरे मन में प्यार या भक्ति नहीं पैदा हुई। कई बार मुझे लगता है कि मैं भी आजमा कर देखूं, सिर्फ एक सेकंड के लिए एहसास करूं कि वो रोशनी क्या है। Mother of love, angel of light, I'm a long lost child, so alone in the night. Mother of love, angel of light, you have saved. आज दादी को ब्रह्मा कुमारीज की स्थापना की 88वीं वर्षगांठ के समारोह में बुलाया गया है। वो करीब 10 साल से इस संस्था की प्रमुख हैं। आज 100 साल से ज्यादा की उम्र में भी उनके अंदर इतनी ऊर्जा है कि अपने काम को जारी रख सकें। दादी, प्रोग्राम में जाना जरूरी है, लोगों को मिलना है। क्यों नहीं गुजर उसमें कुदरत लिखा है सच्ची दिलबर साहब राजी, तो मैं भी हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, नियत साफ मुराद जो संकल्प कर रहे ना हो जाता है। परमात्मा बाप कौन है कैसा है उसको पहचानने से जो ताकत आती है, ताकत सबको काम करती है। जब किसी को ये पता हो कि दादी का स्वास्थ्य हमेशा से ही बड़ा नाजुक रहा है और उन्होंने उसके बावजूद इतना सब कुछ किया है, तो यही सोचता है कि उन्हें भविष्य में कैसे याद किया जाएगा, क्या उनका ये जीवन लोगों के लिए एक मिसाल बन जाएगा और लोगों को प्रेरणा देगा कि वो अपने आध्यात्मिक जीवन को सुधार सकें, और जिन लोगों को उनसे इतना फायदा हुआ है वो उनकी यादों को अपनी निजी जिंदगी में कैसे संजोएंगे। जब हमारे बीच उनका आना कम होने लगा तो हमें भी एक कमी सी महसूस होने लगी, और उस कमी को दूर करने का एक ही तरीका है कि आप उस परमात्मा की उपस्थिति को खुद महसूस करें। अब काफी लोग ध्यान की बात करने लगे हैं। न्यूयॉर्क में हमारा जो ऑफिस है वहाँ एक ध्यान कक्ष भी है जिसमें ध्यान की क्लास होती है। मैंने कभी इस बारे में नहीं कहा, पर हमारे ह्यूमन रिसोर्स विभाग की तरफ से ये बात कही गई कि हमें उस जगह पर ध्यान लगाने का इंतजाम करना चाहिए। मुझे लगता है कि दादी का नहीं रहना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति होगी, मगर उन्हें सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं उन रास्तों पर चलूं जो उन्होंने दिखाए हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं एक न एक दिन उन सभी चीज़ों का पालन करने लगूंगा जो उन्होंने मेरे बारे में कही हैं, और मैं मानता हूं कि ऐसा करके ही मैं उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे पाऊंगा। मैंने उनके साथ जो समय बिताया है उसका सही अंजाम यही होगा कि मैं वो सब कुछ खुद करूं।
अगर हम वो कर्म नहीं करते तो किसी को उनके बारे में बताने पर भी कोई फायदा नहीं होता। बातें तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन असर सिर्फ उन बातों का होता है जिनके ऊपर उन्हें कहने वाला खुद अमल करता हो, और मैं भी उन बातों पर अमल करना चाहता हूँ। फिल्म हमारी प्यारी दादी को समर्पित है, और शायद आप यही चाहते होंगे कि मैं वो कहूं जो मैंने महसूस किया है, और वो है दादी का प्यार जो मेरे अंदर समाया है। मगर मेरे ऊपर जिस बात का सबसे ज्यादा असर हुआ है वो ये है कि जब भी मैं कुछ गलत करता हूं मुझे दादी की उंगलियां नजर आती हैं जो ऐसा करती हैं, और लगता है दादी कह रही हूँ एंड्रू ऐसा मत करो, और ऐसा अक्सर होता है। मैं जानती हूँ कि मुझे ख़ुद को इतना मज़बूत बनाना होगा कि मैं इस उम्र में भी उनकी हर संभव मदद कर सकूँ। ये तो सच है कि हर कोई अमर नहीं होता। मैं इतने वर्षों से हर काम में उनकी सहायता कर रही हूँ, और पहले ऐसा लगता था कि मैं उनकी सहायिका हूँ और दादी मुझसे खुश रहती हैं, मगर अब लगता है कि उनके लिए मेरा प्यार एक माँ जैसा है जो बिल्कुल अलग है, बड़ा ही ठोस। वो मेरी छोटी बेटी जैसी हैं। मुझे अपनी उस बच्ची का ध्यान रखना पड़ता है। मैं हर तरह से उनकी पूरी देखभाल करने की कोशिश करती हूँ। हाँ दादी, क्या चाहिए? आप चाहिए दादी, आप चाहिए। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो दिल और दिमाग दोनों को छू लें। दादी ऐसा कर सकती हैं। वो ईश्वर के प्यार को पहुंचाने का एक साधन है, ईश्वर का वो प्यार जो हमारे दिल को पिघला देता है। ओके दादी, ओम शांति। दादी, मैं जानती हूँ कि नियति, ईश्वर, हमारे प्रयास और बाकी की चीजें हैं, पर इस बात में कोई शक नहीं कि अगर दादी नहीं होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। उन्होंने लोगों के दिलों और उनके जीवन को छुआ है, यही उनकी विरासत है। मुझे लगता है यहाँ मौजूद लोगों की तरह दादी ने हम सबको प्रभावित किया है, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी विरासत यही है कि आप किसी के जीवन पर अपना प्रभाव छोड़ें।